नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। मॉनसून के विदाई के साथ धान की कटाई शुरू हो गई है, मगर विडंबना है कि हर स्थिति के बावजूद खेत खलियानों में इस वर्ष भी पराली जलाई जा रही है। इससे जाहिर है कि नियम कायदों की परवाह किसी को नहीं है। ये छिपी बात नहीं है कि पराली जलाने से प्रति वर्ष दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। नागरिकों का दम घुटने लगता है, अस्पतालों में उपचार कराने की नौबत आ जाती है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कवायद शुरू की, तब जाकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें सक्रिय हुई। पंजाब पुलिस ने आनंद फानंद में एक महीने में ही 874 प्राथमिकी दर्ज की। वहीं कैथल जिले में पराली जलाने पर 18 किसानों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के कृषि विभाग ने पहली बार 24 अधिकारियों को निलंबित भी किया। बावजूद इसके पराली जलाने के मामले घट नहीं रहे हैं। दिल्ली के आसमान पर धुएं की परत जमने लगी है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा को याद दिलाया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। बड़ा सवाल है कि नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में होने के बावजूद पर्यावरण कानून का पालन करने में सरकारों को कौन रोक रहा है। इसे शक्तिहीन बनाने के लिए अदालत ने बुधवार को केंद्र की भी खिंचाई की। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने इसे दंतहीन बना दिया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलती पराली से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ केंद्र कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा, सिर्फ मामूली जुर्माना ही वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि उसने कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बनाई, उसने कोई सुचारू व्यवस्था नहीं बनाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कमजोर हो गया, आपने धारा 15 में संशोधन करके सजा हटा दी है और उसकी जगह जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 15 इसके प्रावधानों के उल्लंघन में सजा का उल्लेख करती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि उल्लंघन करने वालों पर लगाए जाने वाले पर्यावरण मुआवजा सेस को बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करें। ASG ने बताया कि पंजाब और हरियाणा दोनों के सचिव, यानी कि सचिव पर्यावरण और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को कारण बताओ नोटिस तक जारी किए गए हैं। ASG ने यह भी कहा कि 10 दिनों के भीतर धारा 15 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ये राज्य सरकारें और केंद्र वास्तव में पर्यावरण की रक्षा के लिए तैयार होते तो धारा 15 में संशोधन से पहले ही सब कुछ हो गया होता। ये सब राजनीति है और कुछ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, कई इलाकों में तो ये गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। सर्दियों की शुरुआत में हरियाणा और पंजाब में जलती पराली को दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए एक बड़ा कारण माना जाता है। स्पष्ट है कि पराली जलने से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की बड़ी वजह जमीनी स्तर पर कार्रवाई न होना है। राज्य सरकारें और स्थानीय जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करते तो ये नौबत नहीं आती। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब कर बार बार आंकड़े बदलने पर सवाल उठाया और कहा कि हर कोई इस मामले को हल्के में ले रहा है, इससे गलत संदेश गया है। यह हैरानी की बात है कि शीर्ष अदालत की, यानी कि शीर्ष न्यायालय की फटकार और बार बार चिंता जताए जाने पर भी गंभीरता से व्यापक कार्रवाई ना होना ये साबित करता है कि राज्य सरकारें नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, क्योंकि अगर सचेत होती तो यहाँ पर राजनीति ना होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर हर कानून में संशोधन कर दिया जाता है, हर कानून को बड़ा ही लीनियंट, बड़ा ही सामान्य तरीके से ले लिया जाता है, बल्कि पराली जलाना और इस तरह का प्रदूषण करना एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि वहां पर दम घोटू हवा जो है वो निरंतर गंभीर से गंभीर स्थिति में जाती जा रही है, जो चिंता का विषय है। और लोगों को ये अधिकार है कि वो एक शुद्ध वातावरण में रहे, लेकिन उन्हें वो शुद्ध वातावरण नहीं मिल पा रहा क्योंकि सरकारें जो है कड़ाई से पालन नहीं करवा पा रही कानूनों का। अब देखना होगा कि दिल्ली की जो खराब होती गुणवत्ता है
उस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, पराली जलाने पर कैसे रोक लगाई जाती है, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को